कृष्ण कन्हैया नजर आवे, दांगलवारे मांगलवारे, मोर कुटी घेवरुण मारे, जसोदा के प्राण प्यारे, लेना हो श्री गुरुदेव। क्या बात है, मैं इस वक्त मथुरा में मौजूद हूँ और ये आप देखिए, ये पुराना मथुरा है। आप देखिए तमाम सारी 100-100 साल पुरानी जो इमारतें हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी पूरी जिंदगी जो है वो राधे रानी की सेवा में ही बीत गई है। महाराज जी हैं, हाँ महाराज जी, आप तो बहुत यही जन्म आपका हुआ, सेवा करते हुए आपका जिंदगी गुजर रही है जी। क्या मुद्दे हैं? जमुना नदी तो आपने बचपन से देखी होगी, नहाया होगा यहाँ पे। यहाँ हमारे पुरखा लोग इसमें रसोई बनाते थे, इसी को गोपाल जी को स्नान कराते थे। क्या बात? हम लोगों के यहाँ घर घर बिहारी जी गुरु जी की सेवा है। तो अप्रश्न यमुनी मैया चलती है, ये भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। यमुना केशव की पटरानी, यमुना निस्दिन बहुत दूध की, मूरख जाने पानी, मेरी स्त्री यमुने महारानी। बोलिए यमुना मैया की जय, श्री गिरा धरण की जय। अच्छा महाराज जी ये बताइए, इस चुनाव में मुद्दा है क्या यमुना की सफाई? क्योंकि तमाम है। वो हेमा मालिनी जी कह के गई है कि यमुना जी मेरी पहली वो है और यमुना जी बिल्कुल निर्मल होगी। हालांकि बीजेपी जो वालों बहुत काम किया है, बहुत नाले टेप हुए हैं, बहुत नाले भी बंद हुए हैं, अब थोड़ा कमती हुआ है, पर अभी नहीं हुआ साफ, नहीं साफ हुआ। अब जमुना मैया साफ हुई, ये तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली अब जाएंगे, दिल्ली में बैठेंगे, क्योंकि दिल्ली से हम दिल्ली भी गए। हाँ। दिल्ली में हमको सरकार ने आश्वासन दे दिया था कि आप जाइए, जमुना साफ होगी। जमुना जी आज तक साफ नहीं हुई। सर ये बताइए कि यमुना नदी का जो प्रदूषण है मुद्दा है मथुरा की सियासत के? सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण यमुना जी का। अच्छा। सभी नेता लोग आती हैं, वादा करती हैं, चुनाव हो जाती हैं, फिर सबको भूल जाती हैं ये यमुना माँ है। इसको शुद्ध जो करेगा वो है सबसे बड़ा नेता। तो दो बार से हेमा मालिनी जी, हेमा मालिनी जी प्रयास कर रही है, पर उनका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं सफल हो पा रहा? ये तो बीजेपी की सरकार है, ये तो वही जान रखी है। हेमा मालिनी जी कहती है कि हेमा मालिनी जी और मोदी जी, मोदी जी है तो ये कुछ हो सकता है। अगर मोदी जी के कार्यकाल में भी नहीं हुआ तो फिर तो कभी नहीं। सर बताइए, अभी आज भी बड़ी बड़ी बातें की गई मंच से कि यमुना की हम सफाई करेंगे, भरोसा है? हाँ सर जी, जय जमुना मैया की। आते हैं सर, 10 साल से यही देख रहे हैं जमुना जी के लिए, आते हैं बड़ा बड़ा प्रबोलन देके चले जाते हैं कि आपके ये करेंगे, आपके ये करेंगे, और अभी भी यही बोला गया है कि आपके ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब देखते हैं। अच्छा, क्या अब तक कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। मथुरा शहर में कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ है मथुरा शहर में। कुछ तो कह रहे हैं कि भाई नालों वालों को कुछ बंद किया? नहीं, कुछ नहीं किया है, कोई नाले बंद नहीं हुए हैं। आए दिन जमुना जी का ऐसा, इससे भी ज्यादा हाल बुरा रहता है। अच्छा, हाँ जी, कुछ हुआ कि नहीं? नाले खुलते हैं तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कितनी गंदगी बह रही है, कूड़ा करकट, जूते चप्पल ऐसे जाते हैं, दुख होता है, आस्ते निकालते हैं उसको। हर बार सर प्रबोलन देके और चले जाते हैं कि आपके ये करेंगे, आपके ये करेंगे, जमुना हमारी माँ है, जमुना जी ने बुलाया है, और करते कुछ नहीं है सर। तो आपने देखा है कि गंदा, मतलब और ज्यादा, इससे ज्यादा गंदगी रहती है? हाँ, इससे ज्यादा किसी समय में, इस समय नाले खुलते हैं उस समय इससे ज्यादा गंदगी रहती है। नहीं, किसी समय हमारे बचपन में ये था कि हम जमुना जी का पानी पीते थे, जमुना जी की मिट्टी को पूरे शरीर में लगाते थे, स्नान करते थे, वो सब खत्म हो गया है, सब बिगड़ गया है। अभी गर्मी का टाइम है, इतना स्मेल आता है कि हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, इतने लाल लाल कीड़ा हो जाते हैं इसमें, मगर क्या करते हैं, हमारी माँ है, हम फिर भी सफाई करते हैं, साफ सफाई अपने घाट का फिर भी करते हैं हम लोग, क्या है, बैठते हैं इधर ही, भजन पूजन करते हैं अपना। ये तो क्या है, निस्तिन बह दूध की धारा, मूरख जाने पानी, और यमुना केशव की पटरानी, हमारे लिए तो वही भाव है, भले कैसा भी हो, और वही भाव है। यमुना नाला रहे या नदी रहे, भाव एक ही, भाव हमारा यही है, हमारे लिए तो ये यमुना जी है। तो निश्चित तौर पर मथुरा की जो सियासत है उसमें यमुना का जो प्रदूषण है वो इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है। देखना यह है कि दो बार यहाँ से हेमा मालिनी सांसद रही हैं, स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ प्रयास भी उन्होंने किया है,
लेकिन उस प्रयास का रंग साफ नहीं दिख रहा है यमुना नदी को अगर हम देखें तो। और ज्यादा जो है वो प्रयास करने की जरूरत है केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक। मथुरा से सौरभ गौतम और संजय कौशिक के साथ रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।